हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है, कौन कब से कब तक किस तरह अप्लाई कर पाएगा, सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं हर रिक्रूटमेंट की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन आप देख पा रहे हैं, इसको ज़रूर प्रेस करना है, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। और बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा 12 से 13 नए नोटिफिकेशन आज ही आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नए नोटिफिकेशन फ्रेश आए हैं, यानी कि आपके स्टेट की वैकेंसीज उसमें अलग आई हैं और सेंटर की अलग। वो मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अपडेट किया है, www.clory.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर वेबसाइट भी देख पा रहे हैं। इसको आप डायरेक्ट गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल साइट आपको नजर आ जाएगी और वहां से आप हर रिक्रूटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। और बात करेंगे अब हम रिक्रूटमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है। कौन किस तरह से अप्लाई कर पाएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि कौन अप्लाई कर सकता है और जॉब लोकेशन आपकी इसमें क्या क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे ऑल इंडिया के मेल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी इसमें आपकी 20,800 से लेकर 65,900 बता रखी है और 18 से 40 साल आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का है और SC के लिए 5 साल का है, अदर्स के लिए 7 साल का है और 10 साल का, मतलब लास्ट जो एज रिलैक्सेशन है वो 15 ईयर्स तक इन्होंने बताया हुआ है। वैकेंसीज जो यहाँ पर आउट हुई है, क्लर्क की है, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसके अलावा जो वैकेंसीज है वो ड्राइवर की है, प्रोसेस सर्वर की है, वो आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। इसका भी मैं आपको लिंक दूंगी, इसके लिए 8वीं पास 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे और 12वीं पास, उसका भी मैं आपको लिंक दूंगी। ठीक है, एप्लीकेशन फी की हम बात करेंगे, जनरल OBC के लिए 500 रुपीज है, SC ST वीमेन कैंडिडेट जो स्टेट के हैं उनके लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए 350 एप्लीकेशन की फी बता दी गई है। पेमेंट मोड जो आपका इसमें ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको पे कर लेनी है। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, अप्लाई करना आप कर सकते हैं 30 मार्च से लास्ट तारीख अप्लाई करने की है 27 अप्रैल 2020। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, वो सारे कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी हम अभी बात करें। इसके अलावा जो 8वीं पास 10वीं पास की वैकेंसीज है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, उसका भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आप चेक करके जिनके स्टेट की है उस वैकेंसीज के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है। जिसकी हम अभी बात करें इसके लिए ऑनलाइन यहाँ क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपने पहले रीड जरूर करना है, फिर ही आपने अप्लाई करना। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।